नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज़। खबर पटना से है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई में करबिरहिया के आर ब्लॉक पुल के बीच गोलंबर पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। बता दें कि उनके समर्थन में आज लोहिया पार्क के कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड तक मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाला गया। राठौर का आमरण अनशन आज 15वां दिन भी महासंघ के कार्यालय में जारी रहा। आज तक सरकार व प्रशासन की ओर से कोई भी देखने तक नहीं पहुंचा। इस पर महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कंकड़बाग के लोहिया पार्क से कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड तक हाथों में मशाल और कैंडल लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि महासंघ के राष्ट्रीय सचिव राहुल कुमार के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोग कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड पहुंचे। निकाला गया है कि तीन चार वर्षों से जब जब चुनाव के समय आती है माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि मैं आनंद मोहन की रिहाई कर दूंगा, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत पहले जब आनंद मोहन को खपाया गया नीतीश कुमार जी और जो माननीय स्वर्गीय जो फर्नांडिस जी मुजफ्फरपुर खाना पर भूख हड़ताल पर बैठे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और मारवाड़ी राजपूत के वोट लेने के लिए क्षत्रिय के वोट लेने के लिए जो महाराणा और आनंद मोहन के नाम लिया जाता है और लवली आनंद कांग्रेस में रहते हुए तब लोकसभा की चुनाव में आनंद मोहन के साथ घूमी और लवली आनंद भाजपा के साथ घूमी और समान सभा में माननीय नीतीश कुमार जी का बोल रहे हैं कि मैं आनंद मोहन को छोड़ दूंगा। आज मैं पूछना चाहता हूं कि कब क्यों नहीं छोड़ता, क्यों नहीं 15 अगस्त को आप घोषणा किए। तो मैं आज चैलेंज करता हूं नाम के उपाध्यक्ष मनोज सिंह कि आनंद मोहन बोल रहा है और सारा बिहार बोल रहा है 2 अक्टूबर के बाद आनंद मोहन की सजा पूरी हो चुकी है, रिहाई हो रही है। आनंद मोहन किस पार्टी में जाएंगे भविष्य बताएगा, इसीलिए मार्च लगा। आप बताएं क्या हाल है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जब उनका जब जेल में 16 साल सजा पूरा हो गया है तो बिहार सरकार क्यों ऐसा कर रही है? बिहार सरकार को विलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए जेल में। काफ़ी दिन हो गया उन्होंने आश्वासन उन्होंने कहा भी था और उनका समय भी पूर चुका है 14 साल। तब सम्मानजनक रिहाई पूरे समाज जो क्षत्रिय समाज है बिहार का पटना का और तमाम जितने भी संगठन लोग हैं सभी का सहयोग है और सभी का मांग है कि भाई जल्द से जल्द आनंद मोहन जी का सम्मानजनक पूर्वक रिहाई होना चाहिए। और जो महाराणा प्रताप जी का आपने कहा था कि मूर्ति लगाऊंगा राजेंद्र नगर गोलंबर के पास, यहाँ जहाँ भी आप पटना में लगाइए उसको जल्द से जल्द उसका काम लगना चाहिए और मूर्ति लगना चाहिए, यही हम लोग का मांग है। और धनवंत सिंह राठौर जी का आज अनशन 15वां दिन था तो मशाल जुलूस निकाला गया है और तमाम सभी भाई लोग पटना के सभी संगठन के लोग यहाँ हैं, सभी लोग शामिल। अगर चुनाव के पहले नहीं लगाते हैं नीतीश जी आनंद मोहन के रिहाई की घोषणा नहीं करते हैं इधर 10 दिन के अंदर तो हम लोग पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का काम करेंगे, वो भी सरकारी जमीन में नहीं अपना अपना मकान में, इतना क्षत्रिय का मकान है। बस धन्यवाद। मैं मनोज कुमार सिंह बहादुरपुर का निवासी हूँ, आनंद मोहन के साथ उस समय से हूँ जब बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन नहीं हुआ था और रामानंद यादव ने मंच तोड़ दिया था तब बहादुरपुर में सभा हुई थी। धन्यवाद।